तो बच्चों स्वागत है आप सभी का पुनः इस YouTube चैनल पर कक्षा कक्षनोवी वार्षिक परीक्षा 2021-22 इक्कीस के अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र के अध्ययन के लिए यहाँ पे हम सेक्शन सी की बात कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले तो ग्रामर का पोर्शन पाँच अंक का पूछा जाना है और पाँच अंक के डू एज डायरेक्टेड वाले प्रश्न पूछे जाने तो इस सेक्शन सी में आपको यहाँ पे हम ग्रामर सेक्शन बता चुके हैं और ग्रामर सेक्शन के बाद डू एज डायरेक्टेड हम हल करेंगे यहाँ पे और आपने यदि पिछले वीडियो को नहीं देखा तो आप जरूर उसका अध्ययन करें और इसी प्रकार से इस जो सेक्शन है इसके ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे प्रश्न पत्र में क्योंकि हम ए बी सी जो भी प्रश्न पत्र सेट आ रहे हैं उनके अध्ययन के लिए आपको समय समय पर वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे क्योंकि यही प्रश्न पत्र परीक्षा में आपको पूछे जाने हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखने को मिला डू एस डायरेक्टेड के अंतर्गत यहाँ पे प्रश्न क्रमांक एक है चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क तो इस प्रश्न में आपको इस तरीके से कुछ आंसर देना है यहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे इसे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलने के लिए आपको यहाँ पे आर यहाँ से हटाना पड़ेगा और क्रिया भी चेंज होगी तो इस तरीके से हमें लिखना होगा चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क तो इस तरीके से इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको जंबल लेटर दिए गए वर्ड्स दिए गए हैं तो इसे हमें रीअरेंज करना है और लिखना है तो अवर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट फॉरेस्ट तो इसमें आपको इसका आंसर देना होगा सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वी से स्टार्ट करते हुए वी शुड प्रोटेक्ट और आवर फॉरेस्ट तो इस तरीके से आप लिख देंगे वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट नेक्स्ट है इसमें तीसरे नंबर का इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न यूअर लेसन अनलेस का उपयोग करना है इफ़ के स्थान पे तो री राइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़ तो आप इसमें अनलेस का उपयोग करेंगे यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे क्योंकि इफ़ के साथ यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस जरूर आता है तो नेगेटिव नॉट हटाना है और इस तरीके से यहां से आपको नॉट हटाना है और अनलेस का उपयोग करना है क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है यदि नहीं तो तो इस तरीके से हम लिखेंगे इसमें अनलेस यू स्टडी रेगुलरली और कॉमा लगा के यू वांट लर्न यूअर लेसन्स तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है अगला है सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चन मेक निगेटिव यहाँ पे आपको नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है तो यहाँ पे आपको आंसर देना होगा यहाँ पे चूंकि एस लगा हुआ है क्रिया में इसलिए आप इसका आंसर कुछ इस प्रकार से देंगे यहाँ पे आप लिखेंगे सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं पाँच नंबर पे द ट्रेन वॉज डिलेड द वेदर वॉज बैड कंबाइन द सेंटेंस इज यूज बिकॉज बिकॉज का उपयोग करते हुए हमें सेंटेंस को जोड़ना है तो बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि तो इसमें हम लिखेंगे द ट्रेन वॉज डिलेड बिकॉज द वेदर वॉज बैड नेक्स्ट है यहाँ छठवें नंबर का ही इज वेरी टायर्ड ही कैन नॉट वर्क एनी मोर तो इसको सो so दैट का उपयोग करते हुए हमें जोड़ना है तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ही इज वेरी लिखा है वेरी के स्थान पे आप लिखाएंगे सो so", तो ये लिखेंगे ही इज सो टायर्ड दैट लगाएंगे आप फुल स्टॉप की जगह और ही का ए छोटा बनाते हुए ही कैन नॉट वर्क एनी मोर चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न ने देखते हैं पे सातवा नंबर का यूयर पेन और यहाँ पे लिखा है कैन गिव मी यू तो रीअरेंज द जंबल वर्ड्स तो इसे हमें रीअरेंज करना है इसको और लिखना है तो ये आप लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे आप यहाँ पे कैन और यू तीसरे नंबर पर लिखेंगे गिव मी यूअर पेन तो इस तरीके से आप रीअरेंज करके लिखेंगे कैन यू गिव मी यूअर पेन आठवें नंबर का प्रश्न है ही वर्कड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम्स बट का उपयोग करना है यहाँ पे आपको यूजिंग बट तो इस तरीके से लिखेंगे ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम तो इसमें सिर्फ यहां पे फुल स्टॉप जहां लगा हुआ है यहां पे आपको बट लिखना है और वाक्य को जोड़ देना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवे नंबर का अंकित प्लेड हॉकी और इसे चेंज इन टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखना है तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे ई डी हटाना है और यहाँ पे आपको प्रेजेंट टेंस में चूंकि एस या ई एस का उपयोग किया जाता है तो इसे लिखेंगे हम अंकित प्लेज हॉकी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रोहन स्पीक्स इंग्लिश तो यहाँ नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे जब नेगेटिव बनाते हैं तो आपको नॉट का उपयोग करना है और चूंकि एस लगा है या ई एस लगा है तो डू और डस का उपयोग करते हुए आपको सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश इसका आंसर होगा नेक्स्ट है ग्यारहवें नंबर का दे वॉक इन द डार्क तो इसमें आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है इसे और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं दे वेयर वॉकिंग इन द डार्क नेक्स्ट इसमें लिखना है बारहवें नंबर पे अजय इज इल ही इज ही हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे तो इसे हमें सो का उपयोग करते हुए सेंटेंस लिखना है तो इसे आप इस तरीके से लिखेंगे सो का उपयोग करते हुए अजय इज इल सो so, यहाँ पे फुल स्टॉप जगह सो लगाएंगे और ही वाज नॉट कम टू स्कूल टुडे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तेरह नंबर का जहाँ पे आपको री अरेंज द जम्बल वर्ड्स इन टू ए मीनिंगफुल सेंटेंस तो यहाँ पे पुनः आपको सेंटेंस तैयार करना है और इसे लिखना है तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे नंबर एक पर कैन यू सिंग तो ए सॉन्ग तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं कैन यू सिंग ए सॉन्ग नेक्स्ट है यहाँ पे चौदह नंबर का जहाँ पे आपको आई स्टैंड ऑन द वन ऑन वन ले कैन री द जम्बल वर्ड्स इन टू ए मीनिंगफुल सेंटेंस तो सबसे पहले आपको लिखना होगा आई नंबर एक पर आई और फिर लिखेंगे आप कैन दूसरे नंबर पे और स्टैंड तीसरे नंबर पे ऑन चौथे नंबर पे वन लेग पाँच नंबर पे तो इस तरीके से रियरेंज हमें करना है जमरल वर्ट्स को और सेंटेंस को तैयार कर लेना है नेक्स्ट है यहाँ पे अनिता कट हर फिंगर तो इसे निगेटिव सेंटेंस में बदलना है और चूंकि यहाँ पे क्रिया के फॉर्म को देखा जाता है तो चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे आई एस नहीं लगा है इसका मतलब ये पास्ट टेंस में है और कट लिखा हुआ है यानी सेकंड फॉर्म लगा हुआ है तो जब ये सेकंड फॉर्म लगा रहता है तो हम डिड का उपयोग करते हैं तो अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर इसका आंसर होगा नेक्स्ट है ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स तो इसे सो so दैट का उपयोग करते हुए एक सेंटेंस uh, -right, uh, को पुनः लिखना है तो so, इसे आप लिखेंगे ही इज सो वीक आप टू को हटाएंगे और लिखेंगे ही इज सो वीक और दैट से इस सेंटेंस को जोड़ेंगे दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स इस तरीके से आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है नेक्स्ट है इसमें ही ईट्स बनानाज चेंज इन टू पेस्यू वाइज पेस्यू वाइज में आपको बन बदलना है इसको तो यहां से आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा सेंटेंस तो यहाँ पे आप लिखेंगे बनानाज आर चूंकि यहाँ पे बहुवचन है तो बनानाज आर ईटन बाई हिम इस तरीके से आपको लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन अठारवें नंबर का प्रश्न है दे प्लेड हॉकी तो यहाँ पे चेंज इन टू पेस्यू तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है हॉकी वॉज प्लेड जो पास्ट टेंस है हॉकी वॉज प्लेड बाई them. इसके बाद आपको उन्नीसवें नंबर का प्रश्न है वी ऑलवेज सम ऑन टाइम तो यहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है इस सेंटेंस को और इसे हम लिख सकते हैं वी ऑलवेज केम ऑन टाइम इस तरीके से आपको लिखना है इसके बाद अगला प्रश्न है ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी येट का उपयोग करना है जैसा कि पूर्व में हमने बताया था आपको तो ही इज रिच येट येट का मतलब होता है फिर भी ही इज ही इज रिच येट ही इज़ नॉट हैप्पी और इसके बाद आपको लिखना है इक्कीसवें नंबर पे unless यू वर्क हार्ड यू can't पास तो यहाँ पे आपको इफ़ का उपयोग करना है unless के स्थान पे तो इसे लिखेंगे आप इफ़ यू वर्क हार्ड और फिर आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है और यू कैन पास इसके बाद है आई हैव टेकन टी इसको इंट्रोग्रेटिव में बदलना है जब भी आप इसको इंट्रोग्रेटिव में बदलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना होगा हैव आई टेकन टी इसके बाद अगला प्रश्न है देसवें नंबर का जहां पे आपको यू वेंट देयर यस्टरडे तो यहां पे आपको फिर से इंटरगेटिव बनाना है और प्रश्न वाक्य बनाना है तो इसमें आप लिखेंगे डिड यू गो देयर यस्टरडे तो यू वेंट देयर यस्टरडे के स्थान पे आ जाएगा डिड यू गो देयर यस्टरडे इसके बाद आएगा नेक्स्ट है चौबीसवें नंबर का ही स्टार देन यू चेंज इन टू द पॉजिटिव डिग्री तो इसमें लिखेंगे हम यू आर नॉट एज टॉल एज हिम इसके बाद है पच्चीसवें नंबर का ही सॉ ए स्नैक तो यहां पर आपको लिखना होगा इसमें पास्ट परफेक्ट में बदलते हुए ही हैड सीन ए स्नैक इस तरीके से इसका आंसर देना होगा तो ये थे आपके डू एज डायरेक्टेड के अंतर्गत प्रश्न जो कि परीक्षा में इन्हीं में से प्रश्न पत्र में पूछे जाने हैं पाँच अंक के आपको आएंगे और यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं ग्रामर के अंतर्गत तो आप यहाँ पे एंड स्क्रीन पे उसके लिंक दिखाई दे रही है उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं आपको हम ए प्रत्येक सेट आपको समय समय पर प्रोवाइड कराएंगे आप चैनल से जुड़े रहें मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए धन्यवाद